नमस्ते दोस्तों, मैं रोहित कुमार यारी द फ्रेंडशिप यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, 2014 के बाद कुछ लोगों को ऐसा उनको समझ कर देख करके लगता है कि उन्होंने देखना छोड़ दिया है। उनकी आंखें तो होती है पर वो कुछ भी अच्छा देख नहीं सकते हैं। ऐसे ही हमारे एक इंसान है जिनका नाम है रवीश कुमार। रवीश कुमार जी 2014 के बाद उन्हें कुछ भी देश में अच्छा नहीं दिखता। अभी G20 जो हमारे देश में इस साल होने जा रहा है, ये देश के लिए काफी गौरव की बात है क्योंकि हमारे देश में आज के डेट में पूरे विश्व के पावरफुल से पावरफुल लोग पहुंचे हुए हैं क्योंकि सारे 19-20 कंट्रीज के बड़े बड़े लोग, उनके प्रेसिडेंट, उनके प्राइम मिनिस्टर सारे के सारे आज हमारे देश में पहुंचे हुए हैं। ये G20 सम्मेलन सिर्फ एज ए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है पर ये एज ए इंडियन हर एक इंडियन के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये G20 सम्मेलन जब हमारे देश में इतने भव्य तरीके से आयोजित हो रहा है तो ऑब्वियस बात है हमारे लिए भी गर्व की बात है कि हमारे देश को सब पॉजिटिवली देख रहे हैं, देश को आज आगे बढ़ते सब देख रहे हैं, देश को एक रिफॉर्म्स की तरह, एक एक पावरफुल कंट्री की तरह, एक इकोनॉमिक सेंटर की तरह सब पूरी दुनिया देख रही है। पर रवीश कुमार जी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने अपना एक यूट्यूब चैनल में एक वीडियो डाला है, G20 या मोदी 20। ओह रवीश जी, रवीश जी का तो आजकल घर का रोटी भी मोदी के नाम से ही चलता है दोस्तों। अगर सपोज मोदी जी आज प्राइम मिनिस्टर नहीं होते और NDTV ने इन्हें निकाल दिया होता तो फिर ये कैसे खाते पीते बताइए। मोदी है तो रवीश के घर रोटी है और ये बात बिल्कुल सटीक और सही है क्योंकि अगर रवीश कुमार के पास आज कोई एजेंडा नहीं है, ये पत्रकार तो है नहीं क्योंकि आज तो अब यूट्यूबर बन के रह गए हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ये अपने सब्सक्राइबर्स को जो इनके भक्त सब सब्सक्राइबर्स हैं उनको ये नहीं बताते हैं कि G20 क्या होता है, G20 में कितने कंट्रीज आते हैं, क्या इसके फैक्टर है जिस पर बात होती है, ये सब नहीं। G20 या मोदी 20, सब जगह मोदी मोदी। भाई G20 हो रहा है, देश का प्राइम मिनिस्टर मोदी है तो ऑब्वियस बात है वही जाकर के सारे गेस्ट को, बाकी कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर को रिसीव करेगा, सारा काम काज वही देखेंगे। अब रवीश जी तो नहीं देखेंगे। हाँ, ये चीज हो सकता है कि पहले की सरकारों की तरह जैसे इन सब जो गोदी मीडिया के जो टॉप लीडर सब है, ये रवीश जी, इनको तो अब कोई बुलाता नहीं है, पत्रकार तो ये रहे भी नहीं अब, तो इनको तो कोई कहीं बुला नहीं रहा है, तो इस बात के लिए दुख होगा कि द प्रेसिडेंट ऑफ भारत से जो इन्विटेशन आया डिनर का, जो सारे बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े नेताओं को गया, इनको नहीं गया। पहले की अगर बात रही होती तो रवीश जी तो सबसे पहले इनको बुलाया जाता पर रवीश जी को तो बुलाया नहीं जाता। रवीश जी बायसिंग न्यूज के लिए तो सबसे बड़े, आपको मालूम है, यूट्यूबर है, सबसे ज्यादा 22 न्यूज अपने तरीके से दिखाते हैं। इन्हें देश में कुछ भी अच्छा घट रहा घटना घट रहा हो इन्हें अच्छा कुछ नहीं दिखता, ये खुले आँख से बंद आँख की तरह हर चीजों को देखते हैं। G20 में भी ये मोदी 20 ढूंढ लिए। ये तो मुझे तो मतलब मैं तो वेट कर रहा था कि चंद्रयान जब लैंड किया था तो उसमें भी ये मोदी आयन क्यों नहीं उन्हें बना दिया गया। तो ये कुछ भी बोल सकते हैं, ये हर चीज में मोदी जी को ढूंढ सकते हैं, बोल सकते हैं, आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, आपका हक है क्रिटिसाइज करने का, लेकिन अगर कोई चीज अच्छा हो रहा है तो उसे अप्रिशिएट करने की भी आपके अंदर ताकत होनी चाहिए, आपके अंदर एक विचार होना चाहिए, आपका नियत होना चाहिए। और रवीश जी में तो ऐसा कोई नियत वियत है नहीं क्योंकि रवीश जी को तो मतलब 2014 के बाद एक कौन सा रोंधी इंजेक्शन लगा है जिनके बाद ये सिर्फ और सिर्फ हर चीज में रोना स्टार्ट कर देते हैं या कुछ भी इन्हें अच्छा घटता नहीं दिखता है। मोदी 20 या G20, आप सोच सकते हैं जहां पूरा देश G20 एक सफल तरीके से कंप्लीट हो इसकी कामनाएं कर रहा है, ये देख रहे हैं उसमें मोदी 20 या G20। खैर मुझे नहीं पता कि इनके सब्सक्राइबर्स ने कैसे झेलते हैं, मैंने तो बस थंबनेल देखा और समझ गया कि ये इस पे भी किस तरह से दिखा रहे होंगे कि सिर्फ हर जगह मोदी मोदी हो रहा है, हर जगह मोदी मोदी कहाँ हो रहा है। अभी ऋषि सुनक भी आए हैं हमारे देश में, ऋषि सुनक भी हो रहा है हमारे देश में, अभी जो बाइडेन भी आए हैं तो जो बाइडेन की भी बातें हो रही है, बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर की बात हो रही है, तो इसमें आप समझ सकते हैं दोस्तों। बाकी आपकी मर्जी, आप रवि जी को सुनते हैं तो सुनिए, नहीं सुनते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अपना समय बचाते हैं और अपने दिमाग में कचरा जाने से भी बचाते हैं। धन्यवाद।